श्री प्रधान स्वागत जनाऊे गणदृष्टि के आज आम छठ महापर्व अवसर में यहाँ बरगढ़ पूर्णा रिजर्व पुलिस जन थिला से पाखे अच्छे जेन कि केनाल नु बिहारी संप्रदायर जिते भी लोग अच्छा बरगढ़ समस्ते आसिक छठ महापर्व मनाऊन आली छठ महापर्व जेनता कि स्टार्ट है आम देखे खरना नायक है खरना है आज जेनटा कि इनु सूर्य के अर्क दि जाए संध्या अर्क बोलसन आध्या अर्क दि जाए लगे समस्ते इन एकत्रित बहुत बढ़िया बहुत भल भाव इन सेलिब्रेसन चलीचे आसन जानमा विशेष कर बहुत भल भाव देखमा कि आंदा के भाव पालन कर पटना से चल के आएंगे बरगढ़ में छठ मनाएंगे। तो आमर संगे इनु अच्छा भक्त मैंने जेन मैंने कि छठ पूजा करुछन तांकर नु जानमा विशेष भाव की कार्यक्रम काना। नमस्ते, जय छठी मैया की। आज क्या यहाँ पे कार्यक्रम क्या हो रहा है? आज हम यहाँ पे पहला अर्घ मना रहे हैं छठी मैया का। आज के दिन हम सब पहली बार अर्घ देते हैं डूबते हुए सूरज को, डूबते हुए सूरज को। तो आप कितना देर से आ रखे हैं यहाँ? हम लोग एक घंटे पहले से आ रखे हैं और सब अर्घ देंगे डूबते हुए सूरज को और फिर उसके बाद वापस। जनता के देख ले कि सूर्य महाप्रभु को जेनटा अस्त है सूर्य महाप्रभु इन अर्घ देवार लगे इन पानी भितर ठिया है माँ मैंने इन जेन मैंने उपास कर विशेषकर ठिया होकर पानी भितर सूर्य को अर्घ दौर आसन आल भाव जान साथ गैदर होते हैं और छठ पूजा को मनाते हैं। आप हैदराबाद में मनाए हैं कि ये बरगढ़ में आके मनाते हैं? नहीं, ये हर कोई नहीं मनाता है। जैसे घर के जो बड़े होते हैं वो मेनली इस पूजा को करते हैं। तो जैसे अभी पहले मम्मी करते थे, फिर मम्मी से बड़ी भाभी लिए, तो ऐसे इस तरह से एक एक करके पकड़ते हैं इस पूजा को, क्योंकि ये बहुत ही कठिन पूजा होता है। और इसमें जो है मतलब 36 घंटा ज़्यादा आपको व्रत करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। ये बहुत ही मान्यता की पूजा होती है जिसमें कि बहुत ही ध्यान से हर चीज़ को, पूजा का प्रसाद हो या किसी भी चीज़ हो, बहुत ही मान्यता से और ठीक से इसको किया जाता है। कैसा लग रहा है यहाँ पे छठ मना? यहाँ पे मुझे छठ पूजा में बहुत ही अच्छा लगता है और मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि मैं आऊँ छठ पूजा के लिए। और छठ पूजा जो है आज शाम का अर्घ इसको बोलते हैं संध्या अर्घ, तो आज संध्या अर्घ के में हम लोग जो है डूबते हुए सूरज का पूजा करते हैं। ऐसे ये जो है 4 दिन से चला आ रहा है। पहला दिन था जब नहा खाए था, जिस दिन लौकी का सब्जी और चावल बना था, और फिर दूसरे दिन जो है हम लोग खरना बोलते हैं, दिन खीर और रोटी बनता है गेहूं के आटे का, और वो गेहूं भी जो है हम लोग आटा बाहर से नहीं लाते हैं खरीद के, पहले गेहूं को लाकर उसको अच्छे से धो के छत पे सुखाते हैं, और इसका भी ध्यान रखते हैं कि उसे कोई चिड़िया तक ना छुए। तो उसके बाद वहाँ दिन भर बैठना पड़ता है आप कह सके एक जने को, और पूरे उसके बाद जाके हम लोग उस गेहूँ को सूखने के बाद उसको पिसवाते हैं, और पिसवा कर ला कर तब उससे वो रोटी बनता है, फिर वही गेहूँ से हम लोग ठेकुआ बनाते हैं। हाँ, ठेकुआ मीठा होता है जो कि भोग लगता है। तो आज जो है ठेकुआ का, और उसमें बहुत सारे फल होते हैं, 5 प्रकार के फल, तो जिसकी जैसी हिम्मत हो, जैसे जिसकी श्रद्धा हो, जितना जुटा पाए, कोशिश करते हैं 5 प्रकार का फल के साथ वो मिठाई ठेकुआ सारा चढ़ाएं। बाहर से कुछ खरीद के नहीं लाते हैं, सब कुछ घर में ही बनता है। तो रात के 3 बजे 2 बजे से उठ के ही बनाना चालू करते हैं। हाँ, तो सारा, और फिर अब संध्या अर्घ को डूबते हुए सूरज का हम लोग पूजा करेंगे, और डूबते हुए सूरज मतलब ये
आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी पर्व मनाया जाता है ऐसा कोई पर्व नहीं है जिसमें आप डूबते हुए सूरज को पूजा करें, पर छठ ऐसा पर्व है जिसमें हम लोग डूबते हुए सूरज को पूजा करते हैं और फिर अगले दिन सुबह में 4 बजे से उठ के फिर हम लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। तो और इस पर्व में जो है हम अपनी ऐसा माना जाता है कि माता सीता जो है इस पर्व को जब 14 साल के वनवास के बाद आई थी तो वो स्टार्ट की थी और वो पानी में खड़े होके सूर्य देवता से मन्नत की थी कि हमारे घर में अब सुख शांति सब कुछ अच्छा से बना रहे। तो उसी समय से ये प्रथा चला आ रहा है। तो यही है छठ पूजा के लिए बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसको आप श्रद्धा से मनाएं तो आप छठ माता कुछ भी आपको आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकती है। देखना जनता की चालना मैडम बहुत भल भाव एक्सप्लेन करी करी आपको बता ले कि छठ पूजा जनता असली मायने रे केमते करी मना जाऊ से काना हो से सब बाबत रे बहुत भल भाव जानना बहुत भल लागला। सभी को और हमारे इस छठ महापर्व में सबका स्वागत है। बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है इस बार छठ और मैं चाहता हूँ कि सभी आए और हमारे साथ छठ मनाएं। ये आज ये तीसरा दिन है, पहला दिन नहाए खाए था और कल जो चौथा दिन होगा वो उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। इसी के साथ ही हमारे सारी जो माँ बहन है जिसने भी उपवास रखा है कल अपना उपवास तोड़ेंगे। माना जाता है कि सनातन धर्म में बोला जाता है कि सबसे कठिन उपवास जो है ये छठ का ही है। 36 घंटा का निर्जला उपवास रखा जाता है और कल सुबह का अर्घ के साथ ही प्रसाद के साथ ही सारे माँ बहन अपने ये जो है अपने उपवास तोड़ेंगे। आपके घर में कितने साल से छठ चला आ रहा है? हमारे घर में बहुत साल से छठ हो रहा था लेकिन हमारी जो हमारे ट्रेडिशन में सबसे जो बड़े होते हैं वही छठ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि 5 साल से छठ नहीं हो रहा था और इस बार इस साल मेरी दादी मेरे साथ है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस बार बहुत ही धूमधाम से हम छठ मना रहे हैं। पचरला जानला कि से भाई घर नो बने दिन से छठ नहीं होते इधर फिर तरह आरंभ कर छ बहुत भल लगुचे इनके आसी करी पूरा एकदम गोटे अलगा जगह के आसी छो बागिर ने लगबार माने हमें बरगढ़ रह छो बागिर बिना लाबार बिहार रे रही करी छठ मनाउ छो बागिर लागुचे आ बहुत खुशी लागुचे आसु नाक के जन्म आओ काना काना चली छे। हमर संगे आ गोटे भौणी जुड़ी है छन आसुन तांकर नो जन्म आओ पचरामा जे से केनता छठ पालन करू छन। नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम रुचि पटेल है। प्रसाद के बाबत में मतलब प्रसाद के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे क्या बनता है प्रसाद? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मेन प्रसाद जो हमारा रहता है ठेकुआ, उसको ठेकुआ बोलते हैं जो कि आटा से बनता है और मम्मी लोग हमारे सुबह सुबह नहा के सबसे पहले वही बनता है प्रसाद के लिए ठेकुआ। तो ठेकुआ जो बनता है वो किस प्रणाली से बनता है, क्या होता है उसको? वो बनता है आटा से और उसके लिए बहुत नियम होता है। उसको बनाने से पहले नहाना पड़ता है, जो पूजा का जो साड़ी रहता है वो साड़ी पहन के ही उसको बनाते हैं और जो बनाता है हम लोग वहाँ पे जो मतलब बच्चे लोग रहते हैं वो वहाँ पे जा ही नहीं सकते हैं, वो सारा चीज़ मम्मी लोग का रहता है पूरा शुद्ध से। तो फल वल में क्या टोकरे में क्या भर के लाते हैं? बहुत सारा आइटम रहता है और जो जो रहता है छठ पूजा से पहले जब तक अर्घ नहीं देते हैं वो चीज़ वो जितने भी फल रहते हैं वो चीज़ हम नहीं खा सकते हैं। कौन कौन से तरह के फल उसमें रहते हैं? मूली, फिर स्वीट पोटैटो, गागल जो नारियल का जो बड़ा रहता है, फिर आपका ठेकुआ रहता है, केला रहता है, फिर एप्पल रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। मानने को तो बहुत सारा है। कैसा लग रहा है बरगढ़ में छठ पूजा? बरगढ़ में छठ पूजा का तो बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं, बट थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जगह नहीं मिल पाता है हमको, अच्छा भीड़ होता है ना बहुत ज़्यादा। हमें भी आके यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ज़रूर आप तो आइए, हर साल आइए इधर इंजॉय करने। ठीक है, थैंक यू। हमार संगे जोड़े मैडम अच्छा से गोटे पंजाबी आन से जो पंजाबी आन और पंजाबी
बढ़िया भाव छठ पालन करता लगुच धनुत्रा कम ना लगभग बरगढ़ रो जिते भी बिहारी संप्रदायर लोक मैंने एकजुट होकर छठ पालुन खाली बिहार